हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन कमेटी के सीटीपीएससी मेंस कोर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं हेमंत प्रधान। आइए फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं सीटीपीएससी मेंस में एक नए सब्जेक्ट को। मैं बात कर रहा हूं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करें इससे पहले कुछ जरूरी सूचना आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। कॉम्पिटिशन कमेटी सीटीपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज कंडक्ट कर रहा है, जिसमें कि 21 टेस्ट कंडक्ट होने वाले हैं, जो हिंदी और इंग्लिश किसी भी माध्यम में आप लिख सकते हैं और आपकी लिखी गई उत्तर पुस्तिका का 2 बार मूल्यांकन करके आपको 10 दिनों के अंदर प्रॉपर फीडबैक के साथ आपको उपलब्ध कराई जाएगी। क्योंकि टेस्ट आपके परफॉर्मेंस का आईना होता है, इसलिए ये टेस्ट सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है, जरूर याद रखें। दूसरा, सीजीपीएससी मेंस कॉम्प्रिहेंसिव क्रैश कोर्स, ऐसे स्टूडेंट जो मेंस लिखने वाले हैं या जो संभावित लिस्ट में हैं या जिनको मेंस की तैयारी नहीं हुई है, वे सभी स्टूडेंट इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें काफ़ी कम समय में बेहतर गुणवत्ता के साथ बेहतर से बेहतर आपकी सीजीपीएससी मेंस की तैयारी हो जाएगी। कुछ बातें और भी हैं, यहाँ पे थोड़ा सा सुन लेते हैं, देन आफ्टर हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा कॉम्पिटिशन कमिटी का ऐप का QR कोड है। ऐसे स्टूडेंट जो अगर कॉम्पिटिशन कमेटी का ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं, इसे आप अपने क्यों भी QR स्कैनर वाले ऐप से डाउनलोड करें, लाइक स्कैन करें, उसके बाद जो है आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत सारे इंटरेस्टिंग और बहुत सारे आपके नॉलेजेबल पार्ट आपको उस ऐप में देखने को मिलेगा, जो आपके एग्जाम में आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। ठीक है, आइए फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करते हैं सीजीपीएससी मेंस में पेपर 3 भाग 2 के अंतर्गत आने वाले एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को। मैं बात कर रहा हूँ लोक प्रशासन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। फ्रेंड्स, ये सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत डायनेमिक सब्जेक्ट है और अल्टीमेटली आप जिस प्रशासन की भाग बनने वाले हैं, ये उसी से संबंधित है। तो आइए समझते हैं लोक प्रशासन की आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक को, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या नव लोक प्रशासन को। तो नव लोक प्रशासन क्या है और इसका उदय कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ, इन सभी बातों को हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा हम स्ट्रैटेजिकली कुछ महत्वपूर्ण बातों को यहाँ पे जान लें, ताकि आपको लोक प्रशासन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मैक्सिमम मार्क्स मिल सके। तो हाउ टू गेट अ मैक्सिमम मार्क्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के संदर्भ में अगर हम कुछ बातें करें, तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर को हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम टॉपिक को डील करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, आपका ये लोक प्रशासन सब्जेक्ट है वो पेपर थ्री के भाग 2 के अंतर्गत आता है। ठीक है, कोई भी पेपर में 3 भाग होते हैं, आप सभी को पता होगा, भाग 1, भाग 2 और भाग 3 होता है। तो इसमें ये भाग 2 से संबंधित है ये आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर, जो आपके पॉलिटी यानी कि भारतीय राज व्यवस्था के साथ ऑलरेडी वे मर्ज है। तो भारतीय राज व्यवस्था ऑलरेडी आप निखत मैम से पढ़ते हैं और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट, आइए हम आज इसे एक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि यहाँ पे अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हम यहाँ पे देखें, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पे देखिए, चूंकि ये भाग 2 का है, भाग 2 यानी पार्ट 2 है, और कोई भी पेपर में हम देखते हैं कि 3 पार्ट होते हैं, 3 भाग होते हैं और 5 खंड होता है। ये 5 खंड क्या होते हैं? 2 मार्क्स वाले, 4 मार्क्स वाले, 8 मार्क्स वाले, 10 मार्क्स वाले और 15 मार्क्स वाले, जिसमें कि 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन कभी भी भाग 2 से नहीं आते। ठीक है, तो अब भाग 2 में क्या क्या क्वेश्चन आएंगे? 2 मार्क्स वाले, 4 मार्क्स वाले, 8 मार्क्स वाले और 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते। अब हमको यहां पर 2 महत्वपूर्ण बातों को समझना है कि इसमें मैक्सिमम मार्क कैसे पाया जा सकता है। तो पहली तो आप इसकी शब्द सीमा को देख लीजिए, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की शब्द सीमा होती है 30 शब्द में आपको आंसर देना होता है। 4 मार्क्स के वाले पेपर में हम देखते हैं इसकी शब्द सीमा कितनी होती है, 60 वर्ड्स होता है। ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, इन सभी बातों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, और जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है उनको ये वर्ड लिमिट पहले से पता है। तो 2 मार्क्स वाले 30 शब्द, 4 मार्क्स वाले 60 शब्द, 8 मार्क्स वाले हम देखते हैं यहाँ पे 100 शब्द। ठीक है, और उसी प्रकार यहाँ पे 10 मार्क्स वाले जो होंगे वो होगा 125 शब्द। अब इस बात को ध्यान रखिएगा कि भाग 2 में है पॉलिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसमें क्या है, 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 8 मार्क्स और 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे। तो हम ऐसा क्या लिखें कि आपको फुल मार्क्स मिले, इस बात को हमको समझना होगा। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आपको मैक्सिमम मार्क्स पाना है, तो आपको 2-3 बातों को ध्यान रखना बेहद जरूरी है।
पहला सबसे फर्स्ट बातें ये होती हैं कि लोक प्रशासन का जो टर्मिनोलॉजी होता है, लोक प्रशासन के संदर्भ में कुछ विशिष्ट शब्दावलियां यूज की जाती हैं, जैसे कि हम देखते हैं डेलीगेशन, प्रत्यायोजन, डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण, केंद्रीकरण, इन सभी वर्डिंग्स को आपको शामिल करना होगा, याद रखेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि लोक प्रशासन में बहुत सारे ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स हैं, प्रशासनिक चिंतक हैं, तो आपके लोक प्रशासन के प्रत्येक क्वेश्चन में, चाहे वो 2 मार्क्स का हो, 4 मार्क्स का, 8 मार्क्स का, 10 मार्क्स के क्वेश्चन में किसी न किसी प्रशासनिक चिंतक का नाम जरूर शामिल करें, ये दूसरी महत्वपूर्ण बात है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, कई बार कुछ ऐसी घटनाएं हुई होती हैं और अगर हम डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को देखें तो वहां पे हम बहुत सारे ऐसे थ्योरी, बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स, यानी कि सिद्धांत, नियम और थ्योरी आदि आए हैं। उस दौरान बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऐसे पब्लिकेशन यानी पुस्तकों का प्रकाशन भी हुआ है जो कहीं ना कहीं लोक प्रशासन के विकास में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। जैसे कि आज मैं बताऊंगा एक एग्जांपल, तो अगर आपको वर्ड लिमिट अलाउ करे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 2 मार्क्स में उसे शामिल करें, अगर आपको वर्ड लिमिट में वो अलाउ कर रहा है तो कोशिश करें 1-2 किताबों का नाम भी उल्लेख करें, क्योंकि आपको विकास प्रशासन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पूछ रहा है तो उससे संबंधित, आपको तुलनात्मक लोक प्रशासन पूछा जा रहा है तो उससे संबंधित, या फिर हम बात करें नव लोक प्रशासन यानी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात की रहे कर रहा है तो उससे संबंधित जो है ये बातों का उल्लेख आप जरूर करें कि कौन सी किताब उस समय जो है ज्यादा उस समय लाइक उसके अस्तित्व को, इसके डेवलपमेंट एस्पेक्ट को आगे बढ़ाया था। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखना है। कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां होती हैं, इन जनरलाइज वर्ड नहीं होते शब्द, ये क्या हो सकते हैं, एक प्रकार के एक विशिष्ट शब्द होते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया प्रत्यायोजन, विकेंद्रीकरण, केंद्रीकरण, है ना, तो ये बातों को आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, दूसरा उसमें क्या है, महत्वपूर्ण जो है एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर का नाम शामिल करें अगर संभव है तो, है ना, और तीसरा अगर संभव है तो आप किसी किताब या किसी बातों का उल्लेख जरूर करें, क्योंकि आपस में वो इंटरकनेक्टेड है, कोई अलग से एग्जांपल नहीं लिख रहे, उसी समय उसके विकास को योगदान देने वाली महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो आपको आपको मतलब आप उसमें उल्लेख कर दें तो जो चेकर होते हैं, आपका पेपर जो चेक कर रहे हैं तुरंत प्रभावित होंगे आपसे, क्योंकि आप एक भीड़ तंत्र से अलग स्पेसिफिक आंसर लिखे हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो आइए हम अब उस तरफ चलते हैं जिसमें कि आज हम टॉपिक डील करेंगे, तो ये बातें आपको ध्यान रखना होगा सभी स्टूडेंट्स को। नाउ कम टू द पार्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो फ्रेंड्स, आप इस बात को ध्यान रखें कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे ही नहीं आया, ये एक प्रक्रियागत जो है पार्ट है, इट इज द प्रोसीजरल पार्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक प्रक्रिया के तहत इसका विकास हुआ। आपको ऐसे पूछ दिया जाए कि नाउ लोक प्रशासन न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, आप सीधा सीधा कहेंगे लाइक अभी नया ई गवर्नेंस आया, गुड गवर्नेंस आया, उसके इन्वॉल्वमेंट के बाद जो है अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नया फॉर्म आ गया और यही न्यू लोक प्रशासन है कह देंगे, तो ये पूरी तरह से गलत है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नव लोक प्रशासन एक प्रक्रियागत तरीके से इसका उद्भव हुआ था, और ये उद्भव यानी इसका जो ओरिजिन था वो 1960 से 70 के डिकेड में हुआ था। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं को जोड़ने का प्रयास करता हूं ताकि आप बेहतर इसमें लाइक अप्रोच कर सके, तो आइए इन बिंदुओं को जोड़ते हैं, तो इसके बाद ये कंसेप्ट को आप समझेंगे बहुत सरल तरीके से। आपको पता होगा कि लोक प्रशासन के फादर कौन है, वुड्रो विल्सन जो है, जो फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट है, इनको क्या कहा जाता है, लोक प्रशासन का पिता या जनक कहा जाता है। और आपको पता होगा कि लोक प्रशासन का को सबसे पहले फाइंड आउट भी इन्होंने ही किया था, सबसे पहले इन्होंने ही कहा था कि 1887 में उन्होंने कहा कि राजनीति और प्रशासन 2 अलग-अलग बातें हैं, द डाइकोटॉमी ऑफ पॉलिटिक्स एंड द एडमिनिस्ट्रेशन, राजनीति और प्रशासन द्वैत भाव 2 अलग-अलग बातें हैं उन्होंने कहा था।
और तब से जो है नौ जो है लोक प्रशासन का जो है ये उद्गम माना जाता है। 1887 वुड्रो विल्सन फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट, और आपको बता दूं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय भी यही प्रेसिडेंट थे। अब ये वर्ल्ड वॉर का उल्लेख क्यों कर रहा हूं आगे हम समझेंगे। तो यहां पे आप वुड्रो विल्सन जो है 1887 में पहली बार उन्होंने कहा देर इज अ डाइकोटॉमी बिटवीन पॉलिटिक्स एंड द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि राजनीति और प्रशासन जो है दोनों अलग अलग बातें हैं। और उन्होंने कहा कि प्रशासन को हम राजनीति से पूरी तरह से अलग करेंगे, और उसको सपोर्ट किन्होंने किया, गुडनाव साहब ने किया जो अमेरिकन फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। तो गुडनाव साहब ने उनके बाद क्या इनकी बातों का समर्थन किया। और ये जो समय चल रहा था 1887 से लेकर 1926 तक, ये क्या है डाइकोटॉमी पीरियड कहा जाता है, द्वैत भाव का समय कहा जाता है। ठीक है, ये बातें सभी को क्लियर हो गई। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 1927 से लेकर 1937 तक का जो समय है ये कहा जाता है, इस समय को बहुत सारे सिद्धांत प्रिंसिपल्स बने, जिसमें कि आप गुली कुर्विक का जानते हैं, मुनीर एले का जानते हैं, बहुत सारे ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर ने प्रशासन से संदर्भ को लेकर, प्रशासन को लेकर बहुत सारे सिद्धांत प्रिंसिपल्स बनाए। तो इसलिए ये समय जो कहा जाता है गोल्डन एरा ऑफ प्रिंसिपल्स, सिद्धांतों का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, सिद्धांतों का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके बाद 1938 से लेकर 1947 तक का समय, जब देखते ही इसी दौरान वर्ल्ड वॉर टू हुआ था। तो इस समय क्या था कि ये जो गोल्डन प्रिंसिपल्स बने थे, ये जो स्वर्णिम युग था सिद्धांतों प्रिंसिपल्स का, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसका रेलेवेंस जो है पूरी तरह से खत्म हो गया। प्रशासन के वो सिद्धांत और नियम काम नहीं आ रहे थे। क्यों काम नहीं आ रहे थे, प्रशासन का काम क्या है भाई, सर इस समय जो चल रहा था डाइकोटॉमी, वो दो बातें थी कि सरकार अपना काम करेगी, प्रशासन अपना काम करेगी, दोनों को अलग अलग माना जा रहा था, और प्रशासन से संबंधित बहुत सारे सिद्धांत नियम भी बना दिए गए थे। अब प्रशासन के सिद्धांत को उस समय कह दिया गया कि ये लाइक उन्होंने जैसे कह दिया कि गुली कुर्विक और कुछ लोगों ने कह दिया कि ये जो पार्ट है, ये बहुत सारे सिद्धांत है, ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, सभी जगह लागू होते हैं। ठीक है, और यहां पे जब देखा गया कि ये जो चुनौती का जो ये जो समय आया जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है खत्म हुआ, जहां पे ह्यूज लेवल पे इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन भी हुआ था, इंफ्रास्ट्रक्चरल डिस्ट्रक्शन भी हुआ था, है ना, आर्थिक क्षति, जनधन की हानि, अवसंरचना की क्षति भी हुई थी। इस समय जो है प्रशासन जो है कि जो सिद्धांत वगैरह काम नहीं आ रहे थे, क्योंकि ये परंपरागत लोक प्रशासन चले आ रहा था जिसका उद्गम 1887 में हुआ था। तो इस समय क्या है, इसमें क्या है, ये क्या है, सिद्धांतों को चुनौती दिया गया। तो चैलेंजेस टू द प्रिंसिपल, सिद्धांतों को चुनौती का काल कहा जाता है 1938 से लेकर 1947 का समय। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो अब क्या है, जब इस सिद्धांत का कोई रेलेवेंस ही नहीं है तो अब क्या है, इसके अस्तित्व पर क्वेश्चन उठता गया। दो महत्वपूर्ण बातों को लेकर लोक प्रशासन के विकास में हमेशा से ही जो है बहस चली आ रही है। पहला कि ये प्रशासन राजनीति का भाग है या नहीं है, शुरू में कह दिया गया भाग नहीं है, बाद में कह दिया गया कि ये दोनों आपस में क्लोजली अटैच्ड हैं, और बीच का जो समय था उसमें ये कह दिया गया कि प्रशासन यानी कि लोक प्रशासन जैसी कोई चीज जो एग्जिस्ट नहीं करती, इसका अस्तित्व ही क्वेश्चन उठ गया। तो जब इसके अस्तित्व पर ही क्वेश्चन उठ गया तो उसके बाद जो है ये नए सब्जेक्ट के तौर पे स्थापित होना तो दूर की बात है। तो ये दूसरी बात हो गई थी, पहली बात ये कि प्रशासन जो है इसमें राजनीति से संबंध इसमें स्थापित करने की कोशिश की गई, और दूसरा ये है इसे विषय के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया गया। तो इस बात को ध्यान रखें कि 1947 के बाद 1948 से लेकर 1970 तक का जो समय है इसे कहा जाता है, इस पीरियड को क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी,
इसके अस्तित्व पर भी अस्तित्व के संकट का काल, क्या कहा जाता है, अस्तित्व के संकट का काल, क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी। अब यहां पे लोक प्रशासन मान के चलिए एक ऐसे फेज से गुजर रहा था जब इसके अस्तित्व पर पूरी तरह से क्वेश्चन मार्क उठ गया था। जो डायकोटॉमी स्टार्टिंग में चली आ रही थी जिसमें प्रशासनिक चिंतक अपने थ्योरी दिए जा रहे थे, बहुत सारे कोई विज्ञान है कह रहा था, कोई कला है कह रहा था, कोई अलग अलग प्रकार की थ्योरी आ रहे थे, तो प्रशासनिक विज्ञान वाले एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर अपनी ओर चले गए और जो है यहाँ पे जो राजनीति पॉलिटिकल साइंटिस्ट है वो अपनी ओर चले गए। तो यहाँ पे इसका जो है अस्तित्व पे क्वेश्चन उठ गया। अब इस दौर में हुआ क्या, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से इसे समझिए। आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड वॉर वन हो या वर्ल्ड वॉर टू हो, इस दौरान जब भी युद्ध हुआ, अभी जैसे देख रहे हैं यूक्रेन और रशिया का पार्ट, यूक्रेन पूरी तरह से स्ट्रगल कर रहा है। अल्टीमेटली एक तो निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि युद्ध हमेशा ही विनाशकारी होता है, वो किसी का भला नहीं होता उसमें, अगर हम डेवलपमेंट एस्पेक्ट की बात करें या फिर जनधन क्षति आर्थिक क्षति के संदर्भ में बात करें। तो ये जो फेज था ये वही फेज में क्या था, इस प्रशासन जो उस समय चुनौतियों को उसको हैंडल करना चाहिए था, ये प्रशासन पूरी तरह से नतमस्तक था, किसी प्रकार से इनको जो है प्रशासन चुनौतियों का सामना नहीं कर पा रहा था। और जब भी बात करते हैं यहां पे कि ये चुनौतियां का काल आया, इसमें आइडेंटिटी ऑफ क्राइसिस आया, इस दौरान दो तीन महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हो रहे थे। एक डेवलपमेंट हो रहा था विकास प्रशासन का, जिसमें कि हम विकास को मुख्य एजेंडा माने, वो जो है उसके वो आपका डेवलपमेंट पार्ट चले आ रहा था, जैसे विकास प्रशासन वाले टॉपिक में ऑलरेडी हम कवर किए हैं। दूसरी बात, तुलनात्मक लोक प्रशासन इस आइडेंटिटी ऑफ क्राइसिस से बाहर निकालने में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया उसने, ठीक है, तो वो तुलनात्मक लोक प्रशासन के टॉपिक में पढ़ा जाता है। यहां पे नव लोक प्रशासन का हम ये एंगल इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि चीजों को कनेक्ट कर सके। अब अगर इतना समझ गए हैं तो आपको ये बातें समझ में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी कि 1960 का दशक जब विकसित देशों खासकर अमेरिका में परिवर्तित परिस्थितियों के संदर्भ में परंपरागत लोक प्रशासन में प्रशासन पूरी तरह से विफल हो गया था, उसमें नवीन विचारों का जब हम समावेश किए तो उसके बाद जो है इस नव लोक प्रशासन का क्या है उद्गम हुआ। ये सीधा मिन्नोबुरुक वन सम्मेलन से लेके सीधा इसका जो है डेवलपमेंट आस्पेक्ट ये देख रहे हैं, लेकिन इस बीच में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, इन घटनाओं को पहले हम समझेंगे उसके बाद यहां जानेंगे। तो नव लोक प्रशासन क्या है कह दिया जाए तो परंपरागत लोक प्रशासन तत्कालीन समय की चुनौतियों को सामना नहीं कर पा रहा था, उसमें नए प्रकार के विचार नए प्रकार की थ्योरीज का समावेश किया गया। अब जो प्रशासन का स्वरूप बना उसे हम नव लोक प्रशासन कहते हैं। इसका उद्गम कहां से हुआ था, मिन्नोबुरुक सम्मेलन वन से हुआ था, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि नव लोक प्रशासन हो, लोक प्रशासन हो, विकास प्रशासन हो, तुलनात्मक लोक प्रशासन हो, सभी का उद्गम कहां से हुआ था, इसी यूएसए से हुआ था, अमेरिका से हुआ था, ठीक है। तो ये बातें समझ में आ गई आप लोगों को कि परंपरागत लोक प्रशासन विफल होने के बाद नए विचारों के साथ नए कंसेप्ट बनाए गए, नई संकल्पनाएं बनाई गई, नए प्रकार की जो है विचार थ्योरी आदि बातों को सम्मिलित किया गया और एक नए प्रशासन का उद्गम हुआ, लोक प्रशासन के एक नए आयाम का यहां पे उद्गम हुआ, उसे हम क्या कहते हैं, नव लोक प्रशासन कहते हैं, जिसका उद्गम मिन्नोबुरुक सम्मेलन वन से हुआ था, ठीक है। और ये कब हुआ था, मिन्नोबुरुक सम्मेलन 1968 में हुआ था, आगे इसे देखते हैं हम। इतनी बातें सभी को क्लियर हो गई, तो अब यहां पे देखिए ये वो सिनेरियो जब यहां पे देख रहे हैं, दो महत्वपूर्ण बातें कि नव लोक प्रशासन का उदय या विकास कैसे हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेके 1945, और शीत युद्ध का जो समय था, शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर का जो समय था 1947 से 1991, 26 दिसंबर 1991 तक माना जाता है,
इस कोल्ड वॉर का पीरियड, कोल्ड वॉर सिद्ध युद्ध का मतलब इसमें कोई हथियारों से लड़ाई नहीं लड़ी जाती है। इसमें दो अलग अलग पोल्स बन गए, पूरे विश्व के देश हैं दो अलग अलग ध्रुव में बंट गए, जिसका एक ध्रुव क्या था, यूएसए था, दूसरा ध्रुव उस समय यूएसएसआर सोवियत संघ था। अब यहां पे कुछ कंट्री इसे जो है सपोर्ट करते थे, कुछ कंट्री इसे सपोर्ट करते थे, पूरा विश्व दो अलग अलग पोल्स या ध्रुवों में बंट गया था। अब यहां पे यूएसएसआर का जब हम यहां पे अब इसका स्प्लिट नहीं हुआ, इसका विभाजन नहीं हुआ, ये यूनाइटेड है, तो सोवियत संघ में जो है साम्यवादी विचारधारा कार्ल मार्क्स की थ्योरी को यहां पे इंप्लीमेंट किया जाता है, जिसमें कि राज्य और सरकार की भूमिका पर बल दिया जाता है। दूसरा, यूएसए ने क्या है, कैपिटलिस्टिक मॉडल, पूंजीवादी जो है थ्योरी को अपनाया, और जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड मैकेनाइजेशन यानी औद्योगिकरण, नगरीकरण और मशीनीकरण को उन्होंने अपनाया। अब ये जो समय कब था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सिनेरियो था, जहां पे हमारे पास बहुत ज्यादा चुनौतियां थी। तो इस संदर्भ में जब भी हम यहां पे यूएसएसआर वाला पार्ट को आगे नहीं देखेंगे, क्योंकि हम लोक प्रशासन की इस नव लोक प्रशासन पार्ट को देखेंगे, तो जब भी आप इस कैपिटलिस्टिक वाले मॉडल को देखते हैं तो कुछ ऐसी बातें आपको समझ में आती है कि विकसित देश जैसे कि अमेरिका में ये जो कैपिटलिस्टिक मॉडल, पूंजीवादी मॉडल चला विकास का, प्रशासन का, या फिर कहें तो इसमें कि बहुत सारा जो डेवलपमेंट आस्पेक्ट था वो कैपिटलिस्टिक मॉडल था, जिसमें कि उद्योगों पर बल दिया गया, बहुत सारे इंडस्ट्री बनाए गए, है ना, जो है बड़े बड़े उद्योगपतियों को जो है प्रोत्साहन दिया गया, और वो विकास जो है रिस्क के नीचे आएगा ये माना गया। लेकिन इस दौरान बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, चाहे आज वर्तमान का संदर्भ देखें, चाहे पहले वाले कैपिटलिस्टिक मॉडल को देखें, इसमें कुछ असमानताएं, कुछ सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या क्या है, जैसे गरीबी, ठीक है, गरीबी आ गई, बेरोजगारी, क्योंकि जो गरीब था वो गरीबी हो रहा था, जो अमीर था वो अमीर ही हो रहा था। बेरोजगारी जो है, क्योंकि मशीनीकरण हो गया तो बेरोजगारी की दर बढ़ गई, ठीक है। आर्थिक सामाजिक यानी सामाजिक आर्थिक विषमताएं आ गई, आर्थिक सामाजिक जो है विषमताएं आ गई। तो इस प्रकार यहां पे देखते हैं कि ये जो समय था, बहुत सारी जो हमने स्टार्टिंग के पहले वाले स्लाइड में देखा, वो क्या देखा कि इनमें परिवर्तित परिस्थितियों के संदर्भ में बहुत सारे चुनौतियां आई। तो ये चुनौतियां किस प्रकार की आई, इस प्रकार की परेशानियां आई, क्योंकि ये कैपिटलिस्टिक मॉडल था और यहां पे वैल्यू का कोई काम नहीं था, कोई वैल्यू, कोई लाइक कोई सॉफ्ट वाली बातें, या कोई कहना चाहिए इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर कहा जाए जो लोक कल्याणकारी है, वेलफेयर स्टेट टाइप, कोई बातें नहीं थी, जिसमें कि गरीब गरीब हो रहा था, अमीर अमीर हो रहा था, बेरोजगारी दर बढ़ रही थी, सामाजिक आर्थिक विषमताएं भी बढ़ रही थी, क्योंकि ये पूंजीवाद के दुष्परिणाम होते हैं। पूंजीवाद के दुष्परिणाम ये क्या होते हैं, ये सभी बातें होती, और भी बहुत सारी बातें हुई, लेकिन आपको यहाँ पे संदर्भ समझना है कि ये जो चुनौतियां आई, इन चुनौतियों को कैसे हम टैकल करें, कैसे उसे जो हैंडल करें। तो इस दौरान जो है ये कंसेप्ट आया कि लोक प्रशासन का ये 1960 का दशक, सामाजिक आर्थिक समस्याएं आई, इन समस्याओं को हैंडल करने में TPA यानी टेम्पररी पब्लिक ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, परंपरागत लोक प्रशासन पूरी तरह से असफल हो गया था, और ये असफल परंपरागत लोक प्रशासन में अब एक बहस छिड़ गई थी कि हम वहां के जो एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर थे, प्रशासनिक चिंतक थे, वो बार बार इस बात को स्ट्रेस दे रहे थे कि हम इसे कैसे हैंडल करें। और उसके बाद स्टार्ट होता है सम्मेलन और परिचर्चा का दौर, यानी कि हम यहां पे कहेंगे बहुत सारे डिबेट हुए, कॉन्फ्रेंस हुए, कन्वेंशन हुए, जो इस बात पर थे पूरी तरह से फोकस कि लोक प्रशासन जिसका उद्भव यूएसए से हुआ था, वह विकसित देश था, जब हम विकसित देश ही आर्थिक सामाजिक समस्याओं को हैंडल नहीं कर पा रहे, आर्थिक गतिविधियां चलती हैं तो सामाजिक चालू हो जाती है, सामाजिक देखो तो आर्थिक रह जाता है,
तो कैसे हम इसको हैंडल करें, इस चुनौतियों को कैसे हम लाइक दूर करें और हम डेवलपमेंट भी चले और हमारा जो है एक समानता यानी कि प्रशासन सभी चुनौतियों को सामना कर सके, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कॉन्फ्रेंस और ये सम्मेलन का दौर स्टार्ट हुआ। और जो है अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट जॉन सी हनी को बुलाया गया और एक उनकी नेतृत्व में 1967 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। तो ये जॉन सी हनी कमिटी का जो रिपोर्ट 1967 में पब्लिश हुआ, ये इनका कहना था कि अब लोक प्रशासन के नैरो माइंड को हमको छोड़ना होगा। अब प्रशासन का मतलब केवल एग्जीक्यूशन हो ऐसा हमको, इस थ्योरी को हमको छोड़ना होगा। प्रशासन जो है उसका हम ब्रॉड व्यू को हमको शामिल करना होगा। तो ये सिर्फ ये था कि प्रशासन के चुनौतियों को दूर करने के लिए इसके नैरो व्यू को हटा के उसके व्यापक व्यू को हम शामिल करेंगे, है ना। अब प्रशासन जो है कि तीनों ही प्रशासन को तीनों ही अंगों तक ले जाना होगा, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड जो है देखते हैं जुडिशियरी तक ले जाना होगा। तो ऐसी बहुत सारी इन्होंने थ्योरी दिया, ठीक है। अब चूंकि ये एक रिपोर्ट ही थी तो एक छोटे लेवल पर थी। अब ये हनी रिपोर्ट के बाद जो है एक बहस छिड़ गई कि क्यों ना हम एक ऐसा कॉन्फ्रेंस करें और इस कॉन्फ्रेंस में जितने भी थिंकर्स हैं, प्रशासनिक चिंतक हैं, इनको हम शामिल करें और इस प्रकार एक नया जो है यहाँ पे सम्मेलन कॉन्फ्रेंस हुआ फिलाडेल्फिया में। इसे फिलाडेल्फिया सम्मेलन कहते हैं, तो इट इज द प्लेस, यूएस में एक जगह का स्थान है, जगह का नाम है। तो फिलाडेल्फिया में क्या है, 1967 में एक सम्मेलन बुलाया गया और इस सम्मेलन में क्या है, प्रशासन की चुनौतियों को, प्रशासनिक चुनौतियों को कैसे हम हैंडल करें, इसी मुद्दे को लेकर प्रशासन की चुनौतियों को कैसे हम हैंडल करें, कैसे इसे प्रासंगिक बनाएं, रेलेवेंट कैसे बनाएं, इन सभी बातों को लेकर यह सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में बहुत अच्छे अच्छे विचार प्रस्तुत किए गए जिसमें कि हम इसके व्यापक यानी व्यापक दृष्टिकोण की बात करें, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की बात कर रहे थे हम कि प्रशासन को इसके नैरो माइंडेड, इसी हनी रिपोर्ट को ही आगे बढ़ा रही थी जिसमें कि बहुत सारे अलग अलग थिंकर्स आए थे जिसमें कि उनका काम ये था कि चुनौतियों को सामना करने के लिए प्रशासन के नए थ्योरी, नए प्रकार की जो है यहाँ पे बातों को बातों का जो है यहाँ पे उल्लेख किया गया और इसको प्रासंगिक बनाने के लिए बहुत सारे विचार भी प्रस्तुत किए गए जो उस समय जो है 1968 का डिकेड जब वो देख रहे थे, 1960-70 का डिकेड जब पूरा प्रशासन, लोक प्रशासन के अस्तित्व में प्रश्न चिन्ह उठ रहा था। तो यहां पे जो जितने भी विचारक थे मोस्टली दे आर 50 प्लस या फिर कहे तो 70 प्लस वाले जो है एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर थे। तो अब बात एक नई बहस की चालू हो गई, एक नई बहस यहां स्टार्ट हो गई। वो बहस था कि हमको वर्तमान और आने वाले समय की चुनौतियों को पार पाने के लिए लोक प्रशासन के नए एंगल की जब बात कर रहे हैं, नए डायमेंशन की बात कर रहे हैं, लेकिन ये है कौन लोग, डिस्कस कौन कर रहे हैं, ये तो ऑलरेडी काफी बुजुर्ग लोग हैं, पुराने थिंकर्स हैं, ये उनके समय के हिसाब से सोच रहे होंगे, तो इसे इसलिए बुजुर्गों का सम्मेलन कह दिया जाता है, ठीक है। इसे बुजुर्गों का सम्मेलन किसे कहा जाता है, फिलाडेल्फिया को कह दिया जाता है। इसके बाद जो है मिनोब्रुक सम्मेलन फिर से बुलाया गया, मतलब फर्स्ट टाइम बुलाया गया क्योंकि ये बुजुर्ग थे, तो अब यह यंग और एनर्जेटिक थिंकर्स को बुलाया गया। और उस समय जो है ये मिनोब्रुक वन नहीं था, ये केवल मिनोब्रुक सम्मेलन था 1968 में। अब जो है यंग स्कॉलर्स को, युवा ऊर्जावान स्कॉलर्स को जो है बुलाया गया और ये सेम चीजें, प्रशासनिक चुनौतियों को कैसे दूर किया जाए और किस प्रकार इसे ज्यादा रेलेवेंस बनाया जाए, प्रासंगिक बनाया जाए, इसकी उपयोगिता कैसे बेहतर से बेहतर हो, इन सभी बातों को ध्यान दिया गया। और मिनोब्रुक सम्मेलन वन तब वन बना जब इसका 20 साल बाद 1988 में सेकंड हुआ, तब मिनोब्रुक सम्मेलन वन हुआ। अब तक तो ये मिनोब्रुक सम्मेलन ही था जिसमें कि यंग स्कॉलर लिए और ये सब चुनौतियों को ज्यादा प्रासंगिक बनाने के लिए सम्मेलन किया गया।
अब इसमें नए विचार शामिल किए गए और नए विचार शामिल करने के बाद जिसका उद्गम हुआ उसे हम कहते हैं नव लोक प्रशासन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी कुछ विशिष्टताएं हैं, उनकी विशेषताएं, उसका उद्देश्य है, उसे हम देखेंगे। तो 1968 के प्रथम मेनोब्रुक सम्मेलन के बाद किसका उद्गम हुआ? न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नव लोक प्रशासन का उद्गम हुआ। ये बातें सभी को क्लियर हो गई, सभी बातें आपस में इंटरलिंक्ड है, मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी। आगे बढ़े तो प्रथम मेनोब्रुक सम्मेलन के ठीक 20 वर्ष बाद दूसरा मेनोब्रुक सम्मेलन होता है। तो प्रथम मेनोब्रुक सम्मेलन में क्या उद्देश्य थे जिसके बाद जो है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का उद्गम हुआ? तो इसका उद्देश्य था कि मौजूदा सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में लोक प्रशासन की प्रासंगिकता को प्राप्त करना, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को हैंडल करके हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ज्यादा रेलेवेंट बनाएं, ये हमारा उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य ये था कि लोक प्रशासन की जो विषय वस्तु, जो व्यू था, जो उसका था लोक प्रशासन की विषय वस्तु पर युवा विचारों को प्राप्त करना, ये भी हम समझे। तो इसका जो थीम था, इसका जो व्यू था, नेहरू व्यू था, अब उसे क्या कह दिया गया, उसे हम यंग जो स्कॉलर्स थे उनके विचार के, उनके विचारों के थ्रू अब क्या है, इसे ज्यादा ही हम कॉम्प्रिहेंसिव बनाने वाले हैं, जिसमें कि हम मॉडर्न थॉट्स को इसमें शामिल किए। और ये मॉडर्न थॉट को शामिल करने के बाद हम देखते हैं कि आपका न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का उद्गम हुआ। अब ये नए नए प्रकार की बातें क्या क्या थी इसे आप याद रखें, जिसमें कि इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि ये ज्यादा प्रासंगिक बनाना, ज्यादा रेलेवेंस बनाना। दूसरा, इसमें वैल्यू ओरिएंटेशन होना, मूल्य का उन्मुखता होना, मूल्य उन्मुख मतलब जहां पे हम बात करें कि सामाजिक पहलू जब भी आए, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारा उद्देश्य क्या है, डेवलपमेंट, हमारा उद्देश्य क्या है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, हमारा उद्देश्य क्या है, वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य, और तत्कालीन समय की चुनौतियों को पार करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं कि कितने लेवल तक, कितनी इसकी, कितना प्रासंगिक है। हम यहाँ पे बना तो दिए नए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है यहाँ बना तो दिए मेनोब्रुक सम्मेलन बन के बाद, जिसमें कि जगह किसको दी गई, इसका उद्देश्य क्या था, ज्यादा प्रासंगिक बनाना, मूल्य उन्मुखता, वैल्यू ओरिएंटेशन बनाना, जिसमें सामाजिक समानता की बात की जा रही थी, सोशियल इक्वालिटी की बात की जा रही थी, सोशियल रिफॉर्म की बात की जा रही थी। ये बात समझ सभी क्लियर हुआ। इस समय एक थिंकर्स थे गोलंबस की, जिन्होंने प्लस वन मतलब इसके साथ एक और वन शामिल कर दिया, वो उन क्या कह दिया गया, ये जो ग्राहक उन्मुख, कस्टमर ओरिएंटेड होना चाहिए, ठीक है, या कंज्यूमर ओरिएंटेड होना चाहिए, नहीं ये कह दिया, ये जो है ये गोलंबस की, ये प्लस वन करेंगे तो गोलंबस की का, इन जनरली हम लिखेंगे। तो चार महत्वपूर्ण उद्देश्य थे, ठीक है, ये चार ही महत्वपूर्ण उद्देश्य थे, याद रखेंगे। पांचवा जब इसमें शामिल करते हैं तो गोलंबस की साहब का था, जिनके कुछ गोल्स थे, तो ये पांच गोल थे, कुछ एंटी गोल से प्रति लक्ष्य थे। वो ये कहते थे कि ये प्रत्यक्षवाद के विरोधी हैं, तकनीकवाद विरोधी थे, कि कहते हैं कि अब लाइक मनुष्य को मनुष्य समझो और मशीन को मशीन समझो, ठीक है, ये बातें उन्होंने कह दी, कि जिसमें ह्यूमन वैल्यूज को भी ध्यान दिया जाए, जो है तकनीकवाद के जो है विरोधी थे, सभी चीजों में टेक्निक ने मशीन जो मानवीय मूल्यों को वहां पे शामिल कर दो, ऐसा उन्होंने कहा, ठीक है। और नौकरशाही यानी कि ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी के दोनों आस्पेक्ट होते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव होती है, तो मैक्स वेबर का जब थ्योरी देखेंगे तो इसके नेगेटिव आस्पेक्ट भी आपको देखने को मिलेगा। तो नौकरशाही और पद सोपान विरोधी ज्यादा मतलब ये थे, उनका ये था कि जो हायरार्की होता है, ये जो हायरार्की होता है, ये हायरार्की मतलब ये समझ रहे हैं कि यहाँ पे इस प्रकार का जो है पद अनुक्रम होता है, इसके विरोधी थे गोलंबस की साहब। वो कहते थे कि पद सोपान आएगा तो रेड टैपिज्म आएगा, लाल फीताशाही आएगा, इसमें जो है अलग अलग प्रकार की चुनौतियां आएंगी, नए नए प्रकार की प्रॉब्लम्स आएगी, तो पद सोपान विरोधी था। वो क्या है, इसे फ्लेक्सिबल रख का जो है उन्होंने सपोर्ट किया, इसे लचीलापन जो है इनको देने का उन्होंने का ज्यादा इनका फोकस था। दूसरी बात है यहां पे ये समझें कि इसकी जो क्या खास बात है, विशेषताएं हैं, तो ये विशेषताएं हैं
कि इसकी विशेषताएं, ये ग्राहक उन्मुखी है, कंज्यूमर ओरिएंटेड है, इनको जो जो चाहिए उसके हिसाब से आगे बढ़ो, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी की बात करता है, लोचदार प्रशासनिक ढांचा, फ्लेक्सिबल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की बात करता है, जन सहभागिता की बात करता है जिसमें कि सिविल सोसाइटी, प्रेशर ग्रुप, ठीक है, एनजीओस इस टाइप की बात करता है, जो जो है इसके सेकंड मिनोब्रुक सम्मेलन में देखिए उनकी भूमिका और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये जन सहभागिता की बात करता है, डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन, विकेंद्रीकरण, ये विकेंद्रीकरण है देखो, अलग अलग प्रकार की जो है, एक व्यक्ति का काम ये है, वो इसको डेलीगेट कर दिया, ये इसको, ये फिर इन दोनों को, अब बॉटम लेवल पे जो है यहाँ पे जो कार्य कर रहे हैं वो अपने कार्यों का, ये रिपोर्टिंग इसको करेगा, ये रिपोर्टिंग इसको और ये इसको। तो विकेंद्रीकृत मॉडल हमेशा क्या है, जिसमें कि हम कार्यों का विभाजन कर देते हैं। प्रत्यायोजन का मतलब ये डेलीगेशन ऊपर से नीचे जो है, यूनिटी ऑफ कमांड जैसी बातें आई यहाँ पे, प्रत्यायोजन और ये सब जो कंसेप्ट है हम आगे पढ़ेंगे भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, इसमें ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल आएगा। तो यहाँ पे प्रत्यायोजन मतलब डेलीगेट करना ऊपर से नीचे या पैरेलली आप देखेंगे, इसे डेलीगेट कर देना, इसे प्रत्यायोजन कहते हैं, नीचे जो है उनके जिम्मेदारियों को दे दिया जाना। ये थोड़ा सेंसिटिव था क्योंकि ह्यूमन वैल्यूज भी यहाँ शामिल हो गए थे, क्षेत्र की व्यापकता था उस क्षेत्र में, थोड़ा सी मैंने बताया ही कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच था। अभिवृत्ति परिवर्तन, ठीक है, इसकी जो है हम बात करते हैं कि ये सोशल और ये सामाजिक परिवर्तन की बात करता है, सामाजिक कार्य कुशलता और प्रभावशीलता की बात करता है। सब क्या है, ज्यादा ये कार्य कुशल हो और यानी कि ज्यादा वो लाइक कहना चाहिए स्किल्ड हो और सबको जो है यहाँ पे प्रभावशील हो, सबको काम मिले और सब प्रकार की सबकी भूमिका हो। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। अब यहां पे देखिए कि लोक प्रशासन के इस टॉपिक में आपको क्वेश्चंस कैसे पूछा गया, अगर आप देखें वर्ष 2018, 19 और 20 के पेपर में, तो मिनोब्रुक सम्मेलन 3 के बारे में पूछा है, आपको पूछेगा मिनोब्रुक 1 और 2 के बारे में भी पूछ सकता है, डिफरेंस बताओ या तीनों में कंपेरिजन बताओ, क्योंकि सभी प्रकार के प्रश्न संभावित है, 2 मार्क्स 4 मार्क्स 8 मार्क्स और 10 मार्क्स, ठीक है, ये बातें ध्यान रखें। तो हम इस टॉपिक को इसलिए ज्यादा अच्छी तरीके से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो और हमारा जो है जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ताकि आंसर राइटिंग करें तो बेहतर से बेहतर आपको मार्क्स मिल सके, क्योंकि अल्टीमेटली आप जिस प्रशासन के भाग बनने वाले हो ये थ्योरी वही अप्लाई होती है, ये अलग से कोई किताबी बातें नहीं है, ये आपकी प्रशासन की बातें हैं। कल के डेट में आप किसी ऑफिस, कोई ऑफिसर बनते हैं तो आपके अधीनस्थ काम करने वाले होंगे, आपके ऊपर काम करने वाले होंगे, जिसमें आदेश का प्रवाह होगा, ऑर्डर का फ्लो होगा, इसमें क्या है पद सोपान होगा, डेलीगेशन होगा, उसमें डिसेंट्रलाइजेशन होगा, उसमें प्रशासन की चुनौतियां आएंगी, विचारों में जो है कोलिजन होगा। तो ये सब बातें जो है आप यहां जब पढ़े होंगे तो एक्चुअल में वहां पे ज्यादा बेहतर से बेहतर समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये आपके प्रशासन की ही बातें हैं, इसलिए ध्यान जरूर रखें, इसमें ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट लें, क्योंकि कल आप डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी या कोई भी पोस्ट को जब आप अपने टारगेट तक पहुंचेंगे तो ये जीवन पर्यंत आपके लाइक टेन्योर में, आपके कार्यकाल में या आप अपने वर्किंग पीरियड में, इन सभी बातों का आप बार बार जो है इस बात का को फेस करेंगे, ठीक है। तो ये तो इसका डेवलपमेंट एस्पेक्ट है, जिसमें विकासशील देश, विकसित देश कोई अछूता नहीं है, सभी देशों में ही ये प्रकार की चीजें, प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं। तो जब अमेरिका जैसे विकसित देशों में ही ये प्रॉब्लम आई तो विकासशील देश की बात कौन कर रहा है यहां पे, लेकिन विकासशील देश भी तो अपने डेवलपमेंट कर रहे हैं ना, तो डेवलपमेंट का जो है, डेवलपमेंट में चुनौतियां जो आएंगी, तो ये जो चुनौतियां आएंगी उसको हैंडल करने के लिए एक मजबूत प्रशासन की जरूरत पड़ेगी। अब जब मजबूत प्रशासन के थ्योरी ही आपको नहीं पता तो आप कैसी चीजों को हैंडल करेंगे, तो ये थ्योरी है। देखो उस समय हम इस बात को आगे कंटिन्यू करते हैं कि मिनोब्रुक सम्मेलन 1 हो चुका है, मिनोब्रुक सम्मेलन 1968 में हुआ और इस दौरान जो है 1971 में कुछ ऐसी किताबें पब्लिश हुई जो उस समय नव लोक प्रशासन के उद्भव के लिए मील का पत्थर साबित हुई। तो ये मील का पत्थर, माइलस्टोन क्या क्या है ध्यान रखें, फ्रैंक मैरिनी की किताब
ये किताब का नाम उल्लेख जरूर करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टुवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मिनोब्रुक पर्सपेक्टिव, यानी मिनोब्रुक वन सम्मेलन 1968 के होने के तुरंत बाद सभी बातों को उल्लेख करते हुए टुवर्ड्स न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नए लोक प्रशासन की ओर, और द मिनोब्रुक जो है पर्सपेक्टिव का प्रकाशन का हुआ, जो मिनोब्रुक सम्मेलन की सभी बातों को संदर्भ लेते हुए प्रकाशित हुआ था, उसको जो है शामिल किया हुआ था। इसी समय ड्वाइट वाल्डो जो मिनोब्रुक सम्मेलन वन के जो है उनकी अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखें, तीन मिनोब्रुक सम्मेलन हुए थे। मिनोब्रुक सम्मेलन 1968 में हुआ था फर्स्ट, उसके 20 साल बाद मिनोब्रुक सम्मेलन 2 हुआ 1988 में, उसके 20 साल बाद मिनोब्रुक सम्मेलन 3 हुआ फिर 20 साल बाद यानी कि 2008 में। अब पहले की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? ड्वाइट वाल्डो साहब। दूसरे की अध्यक्षता अभी करेंगे जॉर्ज फ्रेडरिक्सन साहब, और तीसरी की अध्यक्षता करेंगे रोजमेरी, वो तीसरी की अध्यक्षता करेंगे, रोजमेरी ओलियरी कहते हैं, ठीक है, तो उसका हम उल्लेख करेंगे आगे। तो यहां पे ये जो है ड्वाइट वाल्डो है, फर्स्ट मिनोब्रुक सम्मेलन के बाद इनकी किताब निकली थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द टाइम ऑफ टर्बुलेंस, ठीक है, टर्बुलेंस का फेस, चुनौती का समय, क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी का समय। इसके बाद जब मिनोब्रुक सम्मेलन वन हुआ, उसके बाद 1971 में इनकी भी किताब निकलती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द टाइम ऑफ टर्बुलेंस, और उसके बाद द्वितीय मिनोब्रुक सम्मेलन के समय उसके आसपास न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है प्रकाशन किया जाता है। तो ये क्या है, तीन एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर हैं, इन दो ऊपर के दोनों को मील का पत्थर कहा जाता है नव लोक प्रशासन के उदय में, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो ये जो पहला फेज देख रहे हैं 1968 के बाद से लेके 1980 तक का जो समय है, इस समय जो है नवलोक प्रशासन तत्कालीन समय की सभी प्रशासनिक चुनौतियों को, विकासात्मक चुनौतियों को, सोशियो इकोनॉमिक चुनौतियों को हैंडल करते हुए आगे आ रहा था, लेकिन समय के साथ इसे और प्रासंगिक होना था, और इस दौरान थोड़ा सा इसका जो है पोस्टीरियर डेवलपमेंट बात करें, इसका पश्चावर्ती विकास 1980 के दशक में हुआ, जिसमें कि नव लोक प्रशासन की रचना ही नहीं बल्कि उसका मूल्यांकन का भी सुझाव दिया गया था, जिसमें कि जो है जॉर्ज फ्रेडरिक्सन ने 1980 में इसी किताब में न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, है ना, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी नवीन लोक प्रशासन में क्या है, 4D और 4T की बात की है उन्होंने। 4D का मतलब डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण होना चाहिए, डेलीगेशन प्रत्यायोजन को शामिल करना चाहिए, डेमोक्रेटाइजेशन प्रजातांत्रिकरण होना चाहिए, वी नौकरशाहीकरण होना चाहिए, डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं उसका पॉजिटिव इंपैक्ट भी होता है, जिसमें कार्य जो है सुचारू रूप से चलता है, बहुत ही कहना चाहिए स्पेसिफिक तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है, विशिष्ट तरीके से क्रियान्वयन होता है, लेकिन उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है ब्यूरोक्रेसी का, कि सब चीजों को कठिन नियम और कानून के तहत बांध दिया जाता है, जिसमें कि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, लोचशीलता प्रभावित होती है, जो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है। फाइल दर फाइल दर फाइल जो है आगे बढ़ रही है और डेट पे डेट मिले जा रहे हैं, ये ब्यूरोक्रेसी का नेगेटिव इम्पैक्ट है, ठीक है, आगे बढ़े। तो अब यहां पर बात जो 4D की बात की थी, ये इनका ये था 4T की, इन्होंने बात किया कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में, टेक्निकल इनोवेशन होना चाहिए, इनोवेटिव मॉडल होना चाहिए, नवाचार होना चाहिए, जो है प्रशिक्षण होना चाहिए एम्प्लॉय को, प्रशासन को, सबको क्या है ट्रेन होना चाहिए, टेक्निकल अपग्रेडेशन, पुरानी तकनीक जो चली आ रही थी उसमें अब बदलाव करने की जरूरत है। तो ये जो है बदलाव का जो है ये आप देखते हैं, ये टेक्निकल अपग्रेडेशन यानी पुराने समय में जो चली आ रही है अब नई चीजों को हम शामिल करें, इसकी ओर जा रहे हैं, तो अब हम इन सभी बातों को शामिल कर रहे हैं। और ऐसे करते करते हम बात आते हैं मिनोब्रुक सम्मेलन 2 के मुहाने पर। मिनोब्रुक सम्मेलन 2 जो है कहीं ना कहीं कुछ ऐसी जो है कमियां देखी गई थी मिनोब्रुक 1 में या तत्कालीन उसके विकासात्मक दौर में, तो अब जो है बात की जा रही है
कि हम थोड़ा इसका जो है आर्थिक पहलू को भी देखें, हम जो है डेवलपमेंट एस्पेक्ट को भी देखें। तो यहां पे बात करते हैं कि मिनोबरू सम्मेलन हुआ जिसके को लीड कौन कर रहे थे, जॉर्ज फ्रेडरिक्सन की अध्यक्षता में, फ्रेडरिक्सन ठीक है, जॉर्ज फ्रेडरिक्सन के नेतृत्व में मिनोबरू 2 सम्मेलन होता है। यार आपको तुरंत रिकॉल हो जाना चाहिए, 1988 से 20 जोड़ दो तो 2, फिर 20 जोड़ दो तो मिनोबरू 3, ठीक है। तो 1988 इसका उद्देश्य था कि न्यू लोक प्रशासन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की प्रगति का मूल्यांकन करना था और यह भी देखना था कि एलपीजी के दौर में प्रशासन की नवीन भूमिका क्या होगी। अब आपको एक बातें ध्यान में आ रही होगी और सोचना चाहिए भी, तुरंत क्लिक करना चाहिए भी, कि एलपीजी तो आया था भाई 1991 में, तो हम तो कर रहे हैं 1988 में। तो एलपीजी क्या सडन अचानक से 1991 में लागू कर दिया गया? आपको बता दूं कि पूरे विकसित देश या फिर विकासशील देशों के द्वारा जब ये एलपीजी केवल भारत में नहीं आया था, बहुत सारे ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज में वर्ष 1980 से 90 के दशक में इसी एलपीजी मॉडल को क्या है उनको भी अडॉप्ट करना था और उनके द्वारा भी ये सभी चीजों को लागू करने के की प्रक्रिया में सभी थे। भारत में अगर पूछा जाए कि अगर एलपीजी का दौर कब से स्टार्ट हुआ, तो लागू तो 1991 में हुआ लेकिन इसका जो है डेवलपमेंट एस्पेक्ट 1985 में राजीव गांधी गवर्नमेंट के बाद से ही आगे बढ़ना चालू हो चुका था। 1985 या पूरा 80 से 90 का दशक बहुत सारे देशों में एलपीजी को शामिल करने के लिए पूरा प्रक्रियागत समय था और दूसरा भारत के संदर्भ में देखिए तो 1985 से इसका जो डिस्कशन का दौर आरंभ हो गया था और 1991 में फाइनली हमने लागू कर दिया। तो ये भी देखना था कि मिनोबरू 2 सम्मेलन में ये भी डिस्कशन किया गया, क्योंकि ये तो अमेरिकन संदर्भ में हो रहा था ना, अब एलपीजी तो भारत में हम यहां पे इसको रिलेट कर रहे हैं, तो उस दौरान ये बातें सिद्ध करती हैं कि बहुत सारे देशों के द्वारा ये मॉडल को लाया जाना था और उस समय न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे उसके रेलेवेंट यानी उसकी जो है प्रासंगिकता या उसकी यूटिलिटी उपयोगिता किस प्रकार होगी, इस पर भी भूमिका क्या होगी, इस पर भी बात की गई। अब इस सम्मेलन के बाद जो है नौ लोक प्रशासन जो है अब न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की ओर आगे बढ़ा। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का मतलब नव लोक प्रबंधन, जिसमें कि प्रशासन में हम देखते हैं, जैसे कि प्रशासन में हम एक सरकारी कार्यशैली देखते हैं, जबकि निजी ऑर्गेनाइजेशन में, निजी संगठन में क्या देखते हैं या निजी प्रशासन में, यहाँ पे मैनेजमेंट वर्ड यूज कर दिया जाता है और सब चीजें मैनेज की जाती है, मैनेजर्स होते हैं, जबकि गवर्नमेंट में प्रशासक होते हैं। तो अब दोनों के कॉम्बिनेशन से हम क्या करते हैं कि नव लोक प्रबंधन, जिसमें कि गवर्नमेंट की कार्यशैली और सरकारी कार्यशैली, सॉरी निजी क्षेत्र की कार्यशैली, गवर्नमेंट सेक्टर की जो है कार्यशैली और निजी क्षेत्र की कार्यशैली को शामिल करते हुए एक हाइब्रिड मॉडल बना जिसे नव लोक प्रबंधन कहते हैं। तो नव लोक प्रबंधन का उद्गम कहां कब हुआ कहा जाए तो एक्चुअल में ये हम देखते हैं इसका उद्गम इसी दशक में हुआ था, इसी 80 से 90 के दशक में हुआ था, क्योंकि यहीं से वो आगे बढ़ रही थी। और हम 1991 देखते हैं, इसके बाद तो हम नव लोक प्रबंधन को वास्तविक फॉर्म में हम ले आते हैं। तो इस कारण तो हम देखते हैं कि 1991 से अब तक का जो समय है, अगर लोक प्रशासन के विकास के काल में जब हम बांट रहे थे अलग अलग ईयर में, अलग अलग चरणों में, तो अंतिम चरण जो है क्या है, 1991 से अब तक का जो समय है लोक प्रशासन और एलपीजी का युग कहा जाता है इसे। ये बातें सभी को क्लियर हो गई? अब यदि ये क्लियर हो गया है तो नव लोक प्रशासन अब जो है नव लोक प्रबंधन की ओर आगे बढ़ रहा था। तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दो महत्वपूर्ण बातें यहां पर समझाना जरूरी है। पहली महत्वपूर्ण बात क्या है कि नव लोक प्रशासन जब नव लोक प्रबंधन बन गया, तो नव लोक प्रबंधन के बाद जो है जो थर्ड मिनोबरू सम्मेलन जो पूछा गया था जो है हुआ था वो 2008 में हुआ था और 2008 में हम देखते हैं रोज मैरी ओ लेरी के नेतृत्व में थर्ड मिनोबरू सम्मेलन हुआ था
और इसका उद्देश्य ये था कि लोक प्रशासन, लोक प्रबंधन यानी लव लोक प्रबंधन है ना, लोक सेवा का समकालीन विश्व में क्या भविष्य है, इसके लिए खास जो है इसका उद्देश्य था, बात की गई थी। और यहाँ पे कुछ और महत्वपूर्ण बातें समझी गई हैं, इसे मैं बताऊंगा, जिसमें यहाँ पे देखते हैं ICT का, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का समावेश करना था। इसके बाद देखते हैं कि इस दौरान हम यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे थे कि परंपरागत लोक प्रशासन के समय में उसका नैरो अप्रोच था, मिनोब्रुक 2 सम्मेलन के बाद, मिनोब्रुक 1 सम्मेलन के बाद उसे व्यापक बनाने की बात की गई है ना। और उसके बाद देखते हैं कि जो मिनोब्रुक 1 नैरो था, मिनोब्रुक 2 के समय व्यापक बनाने की बात की गई, मिनोब्रुक 3 के समय क्या है, इसे वैश्विक बनाने की बात की गई, ग्लोबल अप्रोच बनाने की बात की गई। इस दौरान जो है हम देखते हैं नए नए कंसेप्ट आए, जिसमें कि साझा नेतृत्व की बात की गई, साझा नेतृत्व या फिर हम कहें सहभागिता की बात की गई, सहभागिता यानी कोलाबरेटिव गवर्नमेंट की बात की गई। अब ये कोलाबरेटिव गवर्नमेंट क्या होता है, जिसमें कि हम देखते हैं कि आप सबको साथ लेके चले। अब प्रशासन केवल खुद ही नियम नहीं बनाएगा, खुद ही एग्जीक्यूशन नहीं करेगा, खुद ही नीतियों का निर्माण नहीं करेगा, इसमें सहभागिता होगी किसकी, प्रेशर ग्रुप की, दबाव समूह की, NGO की, सिविल सोसाइटी की, आम लोगों से चर्चा परिचर्चा करके एक साझा या फिर एक सहभागिता कोलैबोरेटिव गवर्नमेंट की बात हम कर रहे हैं, जिसमें उनसे जो है अभी 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 एग्जांपल में भी आप देखते हैं बहुत सारे ऐसे विचार जो है मांगे जाते हैं, चाहे अभी देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा भी मांगा गया था अलग अलग प्रकार लोगों से सुझाव, केजरीवाल गवर्नमेंट के द्वारा ही मांगा गया था है ना, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा ही मांगा गया था कि आप सुझाव भेजें, हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर हम बात करें कि साझा नेतृत्व सहभागिता मतलब सिविल सोसाइटी की भूमिका होगी, प्रेशर ग्रुप की भूमिका होगी, प्रेशर ग्रुप का मतलब कोई भी ग्रुप हो सकता है, वो किसानों का हो सकता है, वो मजदूरों का हो सकता है, वह आम जन का हो सकता है, वो जो है स्टूडेंट ग्रुप्स का हो सकता है, दबाव समूह तो आप जानते ही होंगे, पॉलिटी में पढ़ते होंगे, तो इन सब की जो है भूमिका पर बल दी गई, उनसे जो है पहले उनके विचारों को जानिए, उसके बाद नीति का निर्माण करिए, ठीक है। ये नव लोक प्रबंध मीनो ग्रुप 3 सम्मेलन की खास बात थी। चूंकि तकनीक सूचना क्रांति शामिल था तो यहां पर ज्यादा ये ट्रांसपेरेंट हो रहा था। और खास बात, चूंकि अभी 2019-20 के समय में मेंस में पूछा गया है मिनोब्रुक 3 सम्मेलन की विशेषताएं बताइए, पूछा है, तो इसे जरूर आप लिखें। यहां पे कोलैबोरेटिव गवर्नमेंट की बात की गई है, याद रखें, सहभागिता की बात की गई है, कोलैबोरेशन ऑफ डिफरेंट प्रेशर ग्रुप दैट NGOs एंड द सिविल सोसाइटी एंड ऑल, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। वैसे ही बात करते हैं स्थानीय प्रशासन को ज्यादा बल देने के लिए बात की गई है, स्थानीय प्रशासन को बल देने की बात की गई है। और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हम बात लिखें कि यह विमर्शी प्रजातंत्र की बात करता है, विचार विमर्श करके हम डेमोक्रेटिक मॉडल चलाएं, विमर्शी प्रजातंत्र की बात करता है, ठीक है। मल्टी डिसिप्लिनरी है, अंतर विषयी है, बहुत सारे विषयों को समावेश करता है, अंतर विषयी है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। तो ये सभी बातें जो है कहीं ना कहीं जो है एक सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स या इन सभी जो प्रॉब्लम्स को हैंडल करने में काफी योगदान दे रहा था, काफी उसके लिए प्रासंगिक बनने जा रहा था। तो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की बातें, चाहे वो स्टार्टिंग के दौर में हो जब इसका उद्गम हुआ या वर्तमान में जो चली आ रही है, समय के साथ साथ प्रशासन का रूप बदलते जा रहा है, जिसमें कि हम देखते हैं कि कुल मिलाके हम प्रशासन की चुनौतियों को दूर करने के लिए ऐसा न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट हो, या फिर हम बात करते हैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हो, कंपेरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन हो, इसके स्वरूप बदलते गए, चुनौतियां दूर होती गई या चुनौतियों को हैंडल करने के लिए तत्कालीन प्रशासन के ढांचे में, स्ट्रक्चर में बदलाव किया गया, उनकी स्ट्रैटेजी में बदलाव किया गया और अल्टीमेटली हमको सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को हैंडल करने में मदद मिली। तो ये बातें सभी को क्लियर हो गई। अब मिनोब्रुक सम्मेलन के बारे में और भी बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, अभी थोड़ा सा हम कंपैरिजन देख लेते हैं 1 और 2 में। 3 के बारे में जो है ये आपको मेरे ख्याल से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है ना।
जो है अब यहाँ पे देखते क्या है कि मिनोबुक सम्मेलन 3 में क्या है, 13 देशों के 220 ऐसे लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर ने भाग लिया था। ये थोड़ा देख लीजिए आज का हमारा लास्ट स्लाइड, जिसमें कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मिनोबुक सम्मेलन 1 और 2 का डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा देख लें, उसके बाद मिनोबुक 3 से जो है संबंधित महत्वपूर्ण बातों के साथ जो है आप इस टॉपिक को फिनिश कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद का जो समय आएगा वो क्या है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का समय आता है, वो अलग से टॉपिक बनता है। ठीक है, तो देखिए मिनोबुक सम्मेलन चूंकि संकीर्ण था, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और ये क्या था, यह व्यापक था, और मिनोबुक 3 क्या हो गया, वैश्विक हो गया। ये बातें सभी क्लियर हो गई। इस समय क्या देखते हैं कि इसका स्वरूप जो है काफी उग्र और क्रांतिकारी था, याद आ रहा है, फिलाडेल्फिया बुजुर्ग थे तो मिनोबुक 1 क्या है, यंग स्कॉलर को बुलाया गया, तो ये ज्यादा उग्र और क्रांतिकारी था और ज्यादा ऊर्जावान वाला जो है ये था, जिसमें कि हम बुजुर्गों की जो लाइक जिनके भी उनके सजेशंस थे उसको दरकिनार करते हुए या उससे आगे बढ़ते हुए हम क्या है नए प्रकार के विचार लाए और फिर एनपीए जन्म हुआ। जबकि मिनोबुक 2 सम्मेलन जो 1988 में था, यह स्वरूप दिशा और उसके ज्यादा व्यवहारिक थी, वरिष्ठ जो है जितने भी थिंकर्स थे उनके प्रति भी सम्मान था, इस बात को ध्यान देंगे। यहाँ वैल्यू को ज्यादा अब जोर दिया जाने लगा, जो वैल्यू को पहले जोर नहीं दिया जा रहा था, केवल जो है एक मशीन है, आदमी को मशीन बना दिया गया था, सिद्धांत ही सब चले आ रहे थे, मानवीय मूल्यों का कहीं जगह ही नहीं था। लेकिन जैसे जैसे मिनोबुक 1, 2 आदि बढ़ते गए तो इसको जो है जगह दी गई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मिनोबुक 1 के पहले हम देखते हैं जो है मूल्यों को नहीं बात की जा रही थी, अब ये ज्यादा प्रासंगिक मूल्य और सामाजिक समानता परिवर्तन पर जोर दिया गया, जिसके बाद नवलोक प्रशासन का जन्म हुआ। यह ज्यादा जो है ज्यादा व्यवहारिक रूप से क्या विरोधी था, निर्णायक रूप से व्यवहारवाद का विरोधी था कहेंगे हम। इसमें देखते हैं कि इसमें क्या नेतृत्व, संवैधानिक, कानूनी परिप्रेक्ष्य, तकनीक आदि की बातें की गई, और आर्थिक परिप्रेक्ष्य पर ज्यादा था क्योंकि एलपीजी आना था, आपको पता होगा अभी। इसके बाद अगर हम देखें तो यह सामाजिक और व्यवहार संबंधी विज्ञानों में लोक प्रशासन के योगदान के प्रति अधिक संवेदनशील, ज्यादा और जो है मानवीय मूल्यों को जगह दी गई। सामाजिक परिवेश की पहचान सरकार की गहरी निंदा से होती, इसमें क्या है निंदा भी की गई, इसने मुख्य सामाजिक मुद्दों पर सक्रिय होने की चुनौती लोक प्रशासन को दी है। तो सामाजिक मुद्दे एक्चुअल में स्टार्ट यहीं से हुए मिनोबुक सम्मेलन 1 से, जिसमें कि इंसान को मशीन मत माना जाए, मानवीय मूल्यों को भी ध्यान रखा जाए, ये कहा गया और आगे बढ़ाया गया। 2 में इसके और आगे बातें की गई, इसमें कि अब सरकार जो है अब क्या है सरकारी कटौती कुछ निजी क्षेत्रों में भी दिया गया, कुछ जो है डिफरेंट टाइप के प्रेशर ग्रुप्स और जनसहभागिता और बाकी सभी बातों की ओर आगे बढ़ा है ना। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक मॉडल की ओर, हम आगे बढ़ रहे थे, सरकार जो है हम देखते हैं कि सामाजिक क्षमता निर्माण और तीसरी पार्टी सरकार के रूप में राज्य को पीछे हटने की बढ़ती मांग से होती है, यह सक्रियता के परिप्रेक्ष्य से पीछे हट गया। कहने का मतलब ये है कि अब ये जो है ज्यादा डेवलपमेंटल चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए अब जो है एक्लिमेटाइज हो गया था, अनुकूल हो गया था। तो अब यहाँ पे इतने सारे जो है इसमें कंपैरिजन आप देखने के बाद मेरे ख्याल से मिनोबुक 1, 2, 3 एनपीए कैसे जन्म हुआ और आपको मिनोबुक 3 के बारे में जो पूछा गया है ना, ये सभी बातें अभी वर्तमान संदर्भ में जितनी भी बातें आप लिखेंगे मिनोबुक 3 के बारे में आप लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड कि उस समय उसका उद्गम हुआ हो, ICT हो है ना, ये बातें रखेंगे, ग्लोबल अप्रोच हो, स्थानीय प्रशासन हो, ज़्यादा वो समय के बाद जो है रेलिवेंट होने स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि ये वैश्विक स्तर पर सम्मेलन है, भारत के संदर्भ में नहीं था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। तो अब मेरे ख्याल से मिनोबुक के तीनों सम्मेलन के बाद जब NPM की बात करेंगे हम, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की बात करेंगे, ई गवर्नेंस की बात करेंगे, गुड गवर्नेंस की बात करेंगे है ना, PCT की बात करेंगे, ये सभी सिद्धांत जो है लोक प्रशासन के नए नए चुनौतियों को दूर करने के लिए अब सहायक सिद्ध हो रहा था। तो न्यू होराइजन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू डायमेंशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन के नए आयाम भी आपके टॉपिक में है, सिलेबस में है, और न्यू लोक प्रशासन का जो है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट भी आपके सिलेबस में है, ई गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, ये सभी आपके सिलेबस में है। तो अब इसकी बातों को आगे आप बढ़ा पाएंगे, आसानी से समझ पाएंगे। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं कुछ नई बातों के साथ।
ठीक है, जिसमें लोक प्रशासन के एक और नए कंसेप्ट को समझेंगे और उससे संबंधित जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम शामिल करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप जरूर मुझे बताएं। डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।